गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के किबूथू में संबोधित कर रहे हैं। चीन से तनाव के बीच अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे हैं। दो दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाकों का नाम बदला है। चीन के इस कदम को भारत ने खारिज कर दिया है। अमित शाह क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ग्राम सभा और पंचायत स्तर की भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों सुनिश्चित कर ली गई है और सभी योजनाओं का कन्वर्जन 100% हो, इस प्रकार की इस योजना को इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड तरीके से तैयार किया गया है। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि शायद मोदी जी की तरह गांव के सरहद के गांव के लिए 50 साल पहले सोचा गया होता तो हमारे सरहद के गांव कभी खाली नहीं होते, मगर हमारी सरकार नेगेटिव सोचने वाली सरकार नहीं है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, ज्यादा अच्छा करने का समय अब आ गया है और मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है, इससे ये काम आगे होगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ डेटा का व्यापक उपयोग कर गांव के अंदर जो कुछ भी कमी है उसको आइडेंटिफाई करा जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक की जानकारी ऑनलाइन लेकर इसका मूल्यांकन कर इसको आगे बढ़ाया जाएगा और आउटपुट बेंचमार्क इंडिकेटर्स भी तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से 2 साल बाद एक मध्यावधि इसका मूल्यांकन करके इसको हम फिर से एक बार रीडिजाइन भी करेंगे, जिससे योजना 100% सफल हो। मैं आज अरुणाचल वासियों को कहकर जाता हूं कि वाइब्रेंट विलेज जो जो अरुणाचल में है, आपको गांव में रहने से गर्व हो, आपको गांव में रहने से सभी सुविधा प्राप्त हो, ऐसा गांव बनाने की जिम्मेदारी प्रेमा खांडू और नरेंद्र मोदी सरकार की है, ये मैं आज आपके बीच में वादा कर जाता हूँ। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ पर 9 मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन हुआ है। लगभग ये 9 परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इसकी संस्थापित क्षमता 725 किलोवाट है। लगभग 30 करोड़ की लागत से ये योजनाओं को पूरा किया गया है और ऐसी छोटी छोटी योजनाओं को एक्सप्लोर कर ही हम अरुणाचल जैसे विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य में गांवों की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। गांवों की तो होगी, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके साथ साथ सीमा पर बसे हुए ITBP के हमारे हिमवीर और हमारी भारतीय सेना के हर जवान को भी सभी सुविधा इतनी ऊंचाई पर ठंड में मिल पाए इस प्रकार की व्यवस्था इस योजनाओं से होगी। और इन 9 परियोजनाएं से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना और ITBP के 11 संस्थानों को भी इसका फायदा मिलने वाला है। और आज ITBP की 14 परियोजनाएं 120 करोड़ रुपए की है, जो अरुणाचल, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी जगह पे है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। क्षेत्रीय मुख्यालय, जवानों के लिए अच्छे बैरेक, मैस, MI रूम, आवासीय भवन, ये सभी सुविधाएं इससे बढ़ने वाली है। मित्रों, आज यहाँ पर प्रेमा खांडू जी के नेतृत्व में मैंने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम देखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।